स्टूडेंट्स, हाँ जी, प्रीवियस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने स्टैक की बात की थी। स्टैक के ऑपरेशन हमने देखे थे, स्टैक क्या होता है, स्टैक के ऑपरेशन देखे थे, और उसके अलावा हमने ये देखा था कि स्टैक के ऑपरेशन में हमने कौन कौन सी कंडीशन चेक करवानी है। पुश करते वक्त हमने कंडीशन भी चेक करवानी है, वो ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करवानी है। पॉप करते वक्त जो हमने कंडीशन चेक करवानी है, वो अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करवानी है। तीसरा जो इसका ऑपरेशन है वो है पीक, तो पीक करते वक्त डिस्प्ले करवाते वक्त जो टॉप पे वैल्यू पड़ी होती है हमने उसे क्या करना होता है, डिस्प्ले करवाना होता है। पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है, पीक क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके ऑपरेशन स्टैक क्या होता है, ये सारी बातें पूछते हुए स्टैक में डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होता है, किस वे से डेटा एंटर होता है, किस वे से डेटा आउट होता है, ये पिछले लेक्चर में सारी बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं डायरेक्ट एल्गोरिदम की तरफ। तो स्टैक के जो ऑपरेशन थे वो मैंने आपको तीन ऑपरेशन बताए थे। एक मैंने ऑपरेशन बताया था आपको पुश का, और दूसरा मैंने ऑपरेशन बताया था आपको पॉप का, और तीसरा मैंने ऑपरेशन बताया था आपको पीक का। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पहला ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन है पुश, दूसरा ऑपरेशन है पॉप, तीसरा ऑपरेशन है पीक। ये तीन ऑपरेशन है। अब इन तीन के ही हम एल्गोरिदम देखते हैं, इन तीन के ही एल्गोरिदम देखते हैं। सबसे पहले एल्गोरिदम देख लेते हैं पुश का। पुश का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना। पुश का मतलब क्या होता है, किसी भी स्टैक में एक डाटा को इंसर्ट करना। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था, डाटा हमेशा जब हम पुश करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो वो टॉप पे करेंगे, और एक वक्त में एक ही एलिमेंट हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और पुश करना मतलब इंसर्ट करना, और इंसर्ट करवाते वक्त हम कंडीशन कौन सी चेक करवाएंगे, ओवरफ्लो की। कौन सी कंडीशन चेक करवाएंगे, ओवरफ्लो की। ठीक है, सपोज करें ये मैं एक स्टैक बना देता हूं, यहां पे ये मैंने एक स्टैक बना दिया। अब इसमें मैंने डेटा इंटर कर दिया, मैंने एक 10 इंटर कर दिया, 20, 30 और 40। मैं एल्गोरिथम कर रहा हूं कौन सा, पुश का, और एक मैंने ले ली स्टैक। ठीक है, अब इस टैग में मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया 0, क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। मैंने 0 से स्टार्ट किया, 1, 2 एंड 3। और मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे स्टैग में पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, टॉप होता है। तो अब इस टैग में सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे ऊपर वाला कौन सा है, 40। तो ये 40 आपका क्या होगा, टॉप होगा। अब मैं एल्गोरिथम कौन सा कर रहा हूं, पुश का। ये इसमें एलिमेंट पड़े हुए, अब इसमें जो एलिमेंट पड़े हुए हैं वो कितने पड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4। मतलब कि इस स्टैक का जो साइज है वो कितना है, 4। इस स्टैक का जो साइज है वो कितना है, 4। और इसके इंडेक्स कितने हैं, 0, 1, 2, 3 इसके इंडेक्स है, और इसका साइज कितना है, 4। क्योंकि 3 इंडेक्स इसलिए है क्योंकि 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो 0 ऑलमोस्ट ही हमारे पास क्या बनते हैं, 4 इंडेक्स ही बनते हैं। तो इसका जो साइज है 1, 2, 3, 4 इसका साइज है, और इसमें एलिमेंट भी 4 पड़े हुए हैं, और इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से लेकर 3 तक है। अब इसका साइज भी 4 है और एलिमेंट भी कितने पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए हैं। तो इट मींस इसके ये स्टैक आपकी फुल है, इसमें और जगह नहीं है, क्योंकि इसका साइज ही 4 है और एलिमेंट भी इसमें कितने पड़े हुए हैं, 4 पड़े हुए हैं। तो ये स्टैक आपकी क्या है, फुल है। अब मैं इसमें डाटा पुश करूंगा, इंसर्ट करूंगा, तो इसमें डाटा इंसर्ट नहीं होगा। लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि आपका जो डाटा है वो इसमें इंसर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, या आपकी जो स्टैक है वो फुल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है, मैं एल्गोरिथम स्टार्ट करने लगूंगा। एल्गोरिथम को देखें, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो मैं इसका करता हूं स्टार्ट। ठीक है, दूसरा जो पहले मैं एल्गोरिथम का नाम लिख लेता हूं यहां पे, एल्गोरिथम कि कौन सा एल्गोरिथम है हमारे पास, पुश का है। पुश का एल्गोरिथम है, और इसमें हमारे पास जो है वो तीन चीजें होंगी। एक हमारे पास स्टैक होगा जो हमने स्टैक की हुई है, मैंने यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, एक स्टैक वेरिएबल होगा। दूसरा हमने यहां पे टॉप लिया हुआ है, टॉप होगा। तीसरा हम यूजर से एक डाटा लेके इसमें डालेंगे, तो वो डाटा नाम का एक वेरिएबल होगा जिसमें यूजर वेरिएबल रखेगा, जिसमें यूजर मतलब यूजर के पास
जो एलिमेंट होगा वो किसी वेरिएबल में होगा, वो वेरिएबल से हम डाटा क्या करेंगे इसमें स्टैक में इंटर करेंगे। तो एक वेरिएबल एक डाटा वो होगा जो हमने यूजर से लेना है, तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया आइटम नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, पुश का एल्गोरिथम है, इसमें हमारे पास एक स्टैक होगा, एक टॉप होगा और एक क्या होगा आइटम जो हमने इसमें डालना है। तो ये स्टार्ट कर लिया मैंने। दूसरा जो इसका स्टेप होगा, अब मैंने क्या कहा था पुश करते वक्त हम जो कंडीशन चेक करवाएंगे वो ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करवाएंगे कि हम पुश कर रहे हैं इसमें एलिमेंट डाल रहे हैं, तो सबसे पहले ये चेक करवाएंगे कि ये स्टैक फुल है कि नहीं है, फुल है कि नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा ये स्टैक फुल है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लेता हूँ। कंडीशन लेके दूसरा स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा इफ, अगर आपका जो टॉप इक्वल टू है किसके साइज माइनस वन की, अगर आपका इफ मैंने कंडीशन लगाई है इफ की, अगर आपका टॉप जो है वो इक्वल टू है साइज माइनस वन की, देन क्या होगा आपका ये ब्लॉक चलेगा और प्रिंट करवाएगा, शो करवाएगा स्टैक इज फुल एंड एग्जिट। ये तीसरा स्टेप हो गया, ये चौथा स्टेप हो गया, यानी कि कंट्रोल सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट होगा। यहां पे कंडीशन लगी हुई है कि अगर आपका टॉप इक्वल टू है साइज माइनस वन की, यानी कि साइज में से माइनस वन करो अगर वो आ जाता है टॉप के इक्वल, देन आपकी ये वाली दो कंडीशन चलेगी, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है ट्रू होती है देन आपको ये वाली जो ब्लॉक है ये वाला ब्लॉक चलेगा। और इस ब्लॉक में क्या शो होगा, आपको मैसेज मिलेगा शो स्टैक इज फुल, मतलब आपकी स्टैक फुल है, वन से क्या हो जाएगा रिटर्न हो जाएगा एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि आप इस पर पुश करने लगे हैं डाटा इसमें डालने लगे हैं। तो जब आप इसमें डाटा डालेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इसमें जगह भी है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इस केस में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन इसका मतलब है वो आपको मैसेज दे देगा कि आपकी स्टैक ऑलरेडी फुल है, अब आप इसमें और डाटा नहीं एंटर कर सकते। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई है, साइज में से माइनस वन करो अगर वो आता है टॉप के ऊपर। अब इस केस में देखो टॉप कहाँ पे पड़ा हुआ है, थ्री पे पड़ा हुआ है, थ्री इंडेक्स पे, मतलब कि टॉप पड़ा हुआ है थ्री इंडेक्स पे। अब यहाँ पे वो क्या कहता है साइज में से माइनस वन करो, इसका साइज कितना है एक दो तीन चार, यानी कि फोर इसका साइज है, माइनस वन करो वो इक्वल टू क्या आता है थ्री पे। अब देखिए कंडीशन ट्रू हो गई, टॉप कहाँ पड़ा हुआ है थ्री पे, साइज में से माइनस वन करो वो क्या आ गया थ्री। साइज में से माइनस वन क्यों किया, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो चार है, लेकिन इंडेक्स जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है जीरो से, इसीलिए हम साइज में से क्या कर रहे हैं माइनस वन कर रहे हैं। अब ये देखिए कंडीशन ट्रू हो गई है, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि टॉप अगर इक्वल टू आता है किसके साइज में से माइनस वन के, साइज में से माइनस वन किया साइज कितना था चार, चार में से मैंने माइनस वन किया क्या जवाब आ गया थ्री, और टॉप भी आपका कहां पड़ा हुआ है थ्री पे पड़ा हुआ है साइज में से माइनस वन किया उसका जवाब भी क्या आ गया थ्री आ गया, मतलब कि ये कंडीशन क्या कर गई ट्रू हो गई। देन ये वाला जो आपका ब्लॉक है ये आपको प्रिंट होगा कि आपकी स्टैक फुल है और से क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा। देखा जाए तो ये स्टैक फुल है ना, इसमें एलिमेंट इंटर नहीं हो सकता, तो ये यहां से क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा। अच्छा अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, सपोज करें मैं एक एलिमेंट इसमें से रिमूव कर देता हूं, अब देखें टॉप कहां पे आ गया, ये टॉप अब पड़ा हुआ है टू पे, टॉप पड़ा हुआ है टू पे। अब ये वाली कंडीशन चला के देखते हैं, अब देखें इसका साइज क्या है वही फोर है, फोर में से माइनस वन, लेकिन इस वक्त इसका टॉप कहां पे होगा टू पे, अब टॉप कहां पड़ा हुआ है टू पे। अब जब दोबारा ये कंडीशन चलेगी, मैंने यहां पे कहा टॉप इज इक्वल टू साइज माइनस वन, साइज इसका है फोर, फोर में से माइनस वन के जवाब क्या आ गया थ्री, लेकिन टॉप कहां पड़ा हुआ है टू पे, तो ये वाली कंडीशन पहले ट्रू हुई थी अब क्या हो गई फॉल्स, क्योंकि अब टॉप टू पे पड़ा हुआ है और इसका जवाब क्या आ गया थ्री, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको पता है कि एक इफ ब्लॉक होता है एक एल्स ब्लॉक होता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी देन आपका जो इफ का ब्लॉक है ये वाला एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये वाली इफ की कंडीशन फॉल्स होती है देन आपका ये वाला जो इफ का ब्लॉक है ये स्किप हो जाता है, कंट्रोल आपका कहां आ जाता है एल्स के पास आ जाता है। तो यहां पे मुझे इसका एल्स पार्ट बनाना होगा, यहां पे मैंने बना दिया एल्स पार्ट।
ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पे फिफ्थ पार्ट में क्या बना दिया, एल्स पार्ट, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ये कंट्रोल आपका सीधा आ गया एल्स के पास, इट मींस ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हुई है तो अब हमारे पास जगह है, अब हमारे पास जगह है, और जगह अगर होगी तो हमेशा कहां पे होगी, टॉप पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई डेटा एलिमेंट इंटर करेंगे तो हमेशा कहां करेंगे, टॉप पे करेंगे। तो अब हमने टॉप पे डेटा क्या करना है, इंटर करना है। अब इस केस में देखें, इस केस में तो टॉप कहां पे पड़ा हुआ है, टू पे, जगह है, जगह हमेशा क्या होगी, ये देखिए यहां की जगह है तो टॉप पे है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप को ऊपर ले लेंगे, टॉप को ऊपर ले लेंगे, यानी पहले हम कंडीशन चेक करवाएं कि ये भरी हुई तो नहीं है, अगर ये भरी हुई होगी है तो हमें एक मैसेज शो होगा और ये एल्स के पास आएगा ही नहीं, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है फॉल्स, देन क्या आएगा, एल्स के पास। जब एल्स के पास आएगा तो इट मींस कि इस एग भरी हुई नहीं है, इसलिए अब हम डाटा एंटर कर सकते हो, डाटा जब एंटर करेंगे तो कहां पे करेंगे, टॉप पे करेंगे, तो मैं डाटा यहां पे एंटर कर सकता हूं, क्लियर। अब टॉप पे मैं डाटा एंटर कर सकता हूं, पहले टॉप इसका कहां पड़ा हुआ है, टू पे, जब मैं पुश करूंगा तो पहले मैं टॉप को ऊपर लेके आऊंगा, मैंने यहां पे कहा कि टॉप को मैं ऊपर लेके आऊंगा, टॉप पड़ा हुआ है थ्री पे, जब टॉप ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री पे आ जाएगा, टॉप पड़ा हुआ है टू पे, जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री पे। तो मैंने यहां पे एल्स पार्ट में कहा टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस वन, टॉप पहले पड़ा हुआ था टू पे, टॉप पहले पड़ा हुआ था टू पे, उसमें मैंने प्लस वन किया तो अब टॉप की वैल्यू क्या आ गई, थ्री, मतलब ये टॉप पहले टू पड़ा हुआ था, मैंने इसमें प्लस वन किया, अब टॉप कहां पे आ गया, थ्री पे आ गया, क्लियर। अब टॉप आ गया यहां पे, टॉप शिफ्ट हो गया यहां पे। यूजर से एलिमेंट डालने के लिए हमने वेरिएबल लिया होता आइटम नाम का, इसमें वो डाटा पड़ा होगा, तो मैंने यहां पे क्या कहा, मैंने यहां पे कहा स्टैक के टॉप पे इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आइटम इज इक्वल्स टू आइटम, यानी एक स्टैक इसका नाम होगा, इसके टॉप पे, टॉप इसका कौन सा होगा, ये थ्री, ये थ्री, क्योंकि पहले मैं टॉप को ऊपर लेके आ चुका हूं, कंट्रोल आपका यहां पे पहले टॉप को ऊपर लेके आएगा, फिर मैंने कहा इस वक्त स्टैक का टॉप कौन सा होगा, ये थ्री, उसमें क्या आ जाएगा, आइटम, मतलब कि यूजर जो आइटम डालेगा वो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि स्टैक का टॉप इस वक्त थ्री होगा, थ्री इंडेक्स पे आपका क्या आ जाएगा, आइटम आ जाएगा। तो ये इसका था एल्गोरिथम, यानी दोबारा से ग्रो गो थ्रू कर लेते हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम का नाम और उसके बाद वेरिएबल हमने डिक्लेयर करने होते हैं, एक हमारे पास स्टैक होगा, एक टॉप होगा, और एक क्या होगा, आइटम होगा। फर्स्ट स्टेप इसका स्टार्ट होगा, सेकंड स्टेप में हम ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करवाएंगे, ठीक है। अगर ओवरफ्लो की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ट्रू होती है, देन ये पार्ट एल्स के पास आएगा कि देन आपको ये एक मैसेज शो होगा कि आपकी स्टैक फुल है, और उनसे क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन कंट्रोल आपको किसके पास आ जाएगा, एल्स के पास आ जाएगा। एल्स के पास आके आप पहले टॉप को ऊपर लेके आएंगे, टॉप को ऊपर लेके आने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें एलिमेंट डाल देंगे, ठीक है। अगर इसके स्टेप्स देखें तो स्टेप्स भी याद करना इजी होता है, कि जब एल्गोरिथम आप चेक करवाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करवाएंगे, एक ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करवाएंगे, ओवरफ्लो की कंडीशन अगर ट्रू होती है देन स्टैक आपकी क्या होगी, फुल होगी। अगर ओवरफ्लो की कंडीशन फॉल्स होती है देन आप क्या करेंगे, टॉप को ऊपर लेके आएंगे, ऊपर लेके आने के बाद आप स्टैक के टॉप पे क्या डाल देंगे, आइटम डाल देंगे। ये था आपका एल्गोरिथम, जो था किसका था, पुश का था, ये एक कंप्लीट एल्गोरिथम है। बाकी जो आपको नोट्स दिए गए हैं तो नोट्स में भी ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, उसमें बल्कि प्रॉपर पूरा एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है, वहां से अगर आप तैयार करना चाहें तो ज्यादा बेहतर है, वहां पे पूरी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है एल्गोरिथम की, सब कुछ वहां पे दिया हुआ है, तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।